नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान कुठौंदा संजय राजपूत को मारी गोली, हालत गंभीर। कानपुर रेजेंसी रिफर। घटना तुलसी नगर बाबूराम भट्टा वालों 6 के पास की है, घटना सीसीटीवी में कैद। उरई विकास खंड डकोर क्षेत्र के ग्राम कुठौंदा के पूर्व प्रधान संजय राजपूत हाल निवास तुलसी नगर उरई को आज शनिवार की सुबह बाइक सवार दो नकाबपोश अज्ञात लोगों ने उस समय गोली मार दी जब वो अपने कुत्ते को मोहल्ले में टहला रहे थे। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को लाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर संजय राजपूत की हालत चिंताजनक देख डॉक्टरों ने कानपुर रेजेंसी के लिए रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार संजय राजपूत पूर्व प्रधान पुत्र अर्जुन सिंह राजपूत निवासी ग्राम कुठौंदा थाना डकोर हाल निवास तुलसी नगर उरई बाबूराम भट्टा वाले के पास आज सुबह लगभग 5:30 बजे घर से कुछ दूरी पर अपने पालतू कुत्ते को टहला रहे थे, तभी बाइक पर सवार दो नकाबपोश अज्ञात लोग आए और पीठ में गोली मार दी, जिससे संजय राजपूत घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद दोनों आरोपी बाइक सहित मौके से भाग जाने में सफल हो गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को लाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर संजय राजपूत की हालत चिंताजनक देखकर डॉक्टरों ने कानपुर रेजेंसी के लिए रेफर कर दिया है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। सर, उरई कोतवाली क्षेत्र में युवक को गोली मारी गई है, क्या पूरा मामला है? पुलिस ने क्या अभी तक क्या कार्रवाई? जिला जालौन थाना कोतवाली क्षेत्र की सुबह की घटना है, जिसमें एक पूर्व प्रधान है कठौंदा गांव के, उनको अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। उनको तत्काल इलाज के लिए कानपुर हायर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और पुलिस ने अभी तहकीकात में काफ़ी अहम सुराग हम लोग को मिले हैं और उन सुरागों पर हम वर्क कर रहे हैं और जल्द हम इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। जिन्होंने ये घटना कारित करी है उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गोली मारने की सर कोई वजह निकल कर अभी जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उन पर भी हम वर्क कर रहे हैं। पूरी घटना जब खुलासा होगा वो हम तब बताएंगे क्या कारण रहा, क्यों गोली चली, ये पूरे कारण हम घटना के खुलासे के वक्त आपको बताएंगे। सर, सीसीटीवी से कुछ निकल के सामने आया? बहुत से एंगल से हम लोग इस घटना को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से हमें अहम सुराग मिले, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनका भी वर्क चल रहा है। कुछ समय और दीजिए, शीघ्र घटना का हम खुलासा करेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।